नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ लूसी और आप देख रहे हैं अपना चैनल लूसीज क्रिएशंस। आज मैं दिखाऊंगी सिंपल डॉट या साड़ी ब्लाउज। तो चलिए देखते हैं। ब्लाउज पे लाइनिंग लगाएंगे, इसलिए हम लाइनिंग के ऊपर ड्राइंग कर लेंगे। ब्लाउज का फुल लेंथ है 13 इंच और 1 इंच हम प्लस करेंगे स्टिचिंग के लिए। 14 इंच पे मार्क कर लिया, यहीं से शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे 6 इंच। चेस्ट है 36 इंच, उसी को 6 से डिवाइड करने से होगा 6 इंच। आर्म होल 6 इंच लिया हूँ। थर्टी सिक्स का चौथा भाग है 9 इंच और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। इसी लाइन को हम सीधा मिलाएंगे। वन इंच हम मार्क कर लेंगे और यहीं से हम आर्म होल का सेप देंगे। आर्म होल का सेप दे दिया। अब आता है नेक के साइड। नेक का चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और लंबाई लेंगे हम 9.5 इंच। यहीं से हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। कमर है हमारा 30 इंच, 30 का 1/4 है 7.5 इंच। 7.5 इंच को आधा करने से होगा 3.75 इंच। तो यहीं से हम 3.75 इंच पे मार्क कर लिया और 1 इंच हम बैक डॉट का विड्थ रखेंगे। यहीं से 5 इंच पे मार्क कर लेंगे डॉट का लंबाई। बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग हो गया, आप कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट को कटिंग कर लिया, अब हम बैक पार्ट को दूसरे कपड़े के ऊपर बिठाएंगे। नीचे से हम 1 इंच मार्क कर लेंगे। और फोल्ड किया साइड से हम फ्रंट में हुक पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। इस मार्क बराबर हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। और ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग कर लिया और नेक का लंबाई लेंगे 6 इंच। यह बैक आर्म होल, फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच डाउन करेंगे। यहीं से हम 13 इंच पे मार्क कर लेंगे और सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहीं से 1 इंच अप करेंगे और यहीं से 0.25 इंच अप करेंगे।
वेस्ट है 13 इंच, 13 का 1/4 है 7.5 इंच, 7.5 इंच का आधा है 3.75 इंच, हाफ इंच छोड़ के हम यहीं से हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। यहीं से हम टैक्स पॉइंट का मार्क करेंगे, यानी बास्ट पॉइंट का मार्क कर लेंगे। बास्ट पॉइंट लेंगे हम 10 इंच, हाफ इंच जाएगा स्टिचिंग के लिए। तो सेम यहीं से हम 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। यह है हमारा टैक्स पॉइंट। यहीं से हम 2 इंच अप करेंगे और यहीं से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहीं से भी 3.75 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ एक बात कहना चाहूंगी, 36 का 1/4 है 9 इंच और वेस्ट है 30 इंच, 30 का 1/4 है 7.5 इंच। तो 9 इंच माइनस 7.5 इंच तो होगा 1.5 इंच। 1.5 इंच का आधा करने से होगा 0.75 इंच। यहीं से हम लेफ्ट साइड पे 0.75 इंच और राइट साइड पे 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। ये जो डार्ट का विड्थ होगा हमारा, ये 1.5 इंच का विड्थ है। तो ऐसे आप कैलकुलेशन करके इस डार्ट का विड्थ लेना। यहीं से हम घुमा के 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहीं से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहीं से जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वही हम मार्क कर लेंगे। सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहीं पे 0.25 इंच आप किया था और यहीं से 1.75 इंच मार्क करेंगे। उसी को सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं फ्रंट नेकग्राउंड को शेप देंगे। यहीं से हाफ इंच डाउन किया और इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे। ये हो गया हमारा सिंपल ब्लाउज का ड्राफ्टिंग। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। यह है 2 पार्ट, ये भी है 2 पार्ट। अब हम इसको बीच से कट कर लेंगे। अब फाइनल फैब्रिक को कटिंग करेंगे।
पहले हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। अब इस पार्ट को कटिंग कर लेंगे। कपड़ों को फोल्ड करके रखा, उसके ऊपर इस पार्ट को बिछाया। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कपड़ों को फोल्ड कर लिया। स्लीव का लेंथ रखेंगे 5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच जाएगा नीचे के प्लेट के लिए और 1/2 इंच जाएगा ऊपर के लिए। यहीं से हम 9 इंच रखेंगे, जस्ट 1 फुट का हिसाब से, और यहीं से रखेंगे 7 इंच। यहीं से 3.5 इंच डाउन करेंगे। यहीं से 3 इंच छोड़ के हम आर्म होल को शेप देंगे। ये हो गया बैक आर्म होल लाइन। और फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा हम डाउन करेंगे। आप फ्रंट आर्म होल को कट कर लेंगे। तो चलिए आप स्टिचिंग देख लेते हैं। इसको उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे 4 डॉट होगा, तो 4 डॉट को यहाँ पे 1.5 इंच का स्टिचिंग होगा डॉट का, और यहां से आप 1/2 इंच ऊपर कर लेना और 3.5 इंच का मार्क कर लेना बीच बराबर। हम 2 इंच ऊपर मार्क किया था और वहीं से 1/2 इंच ऊपर मार्क करना। अब यहां से ऐसे करके 1/2 इंच का एक डॉट दे देना। दोनों को ऐसे स्टिच करके इतना तक ले आना। ये जो लेंथ होगा ये होगा 3.5 इंच का। सेम इसी का भी 1/2 इंच का इसको मोड़ के ऐसे 1/2 इंच मार्क कर लेना और यहीं से स्टिच करके यहीं तक मिला देना। तो इस लाइन का भी 3.5 इंच का लंबा होगा।
है इस साइड, यहीं पे भी हाफ इंच का डार्ट होगा। इस लाइन का लंबाई होगा 4 इंच, क्योंकि इस साइड ज्यादा है, यहीं पे 4 इंच होगा। और इससे ऐसे यहीं से डार्ट लेना पड़ेगा, ऐसे मुड़ उड़ के। अब यहीं से स्टिच करके यहीं तक ले आना, और इसको भी ऐसे पॉइंट को एक साथ करके इतना तक स्टिच कर देना। स्टिच करने के बाद ऐसे देखने मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे हमने स्टिच करके रखा, ये देखिए चारों डार्ट स्टिच कर लिया। इसी को स्टिचिंग करने के बाद आपका ब्लाउज ऐसे पफ हो जाएगा। इसके बाद आप बेल पार्ट को ऐसे हाफ इंच रख के इसे रख के स्टिच कर लेना इस बराबर। ये हो जाने के बाद आप बैक पार्ट को ऐसे रख लेना। के बाद बैक पार्ट को इसके ऊपर रख के स्टिचिंग कर लेना। दोनों साइड स्टिचिंग हो जाने के बाद हुक पट्टी कर लेना और गलाई को शेप दे देना, उसके बाद स्लीव लगा लेना। तो फ्रेंड मैंने स्टिचिंग समझा दिया, आप स्टिचिंग कर लेना। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।